अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पैकेट स्विचिंग के बारे में देखा था। पैकेट स्विचिंग में हमने दो टाइप्स भी देखी थी, ठीक है, जिसमें एक वर्चुअल सर्किट थी और एक आपकी डायग्राम थी, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं। हमने सबसे पहले सर्किट स्विचिंग देखी, पैकेट स्विचिंग, अब हम जा रहे हैं फ्रेम रिले की तरफ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनहांसमेंट आते गई उस टेक्नोलॉजी के अंदर, उस टेक्नोलॉजी के अंदर एनहांसमेंट आती गई और इन एनहांसमेंट को यूज करते हुए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप होती गई। अब फ्रेम रिले की जरूरत क्या पड़, क्वेश्चन ये आता है। दिस इज बेसिकली द एवोल्यूशन ऑफ पैकेट स्विचिंग। अब होता क्या था, यहाँ पे मैं दोबारा एनिमेशन यूज करूंगा, मैं करता हूँ ये अगेन, मैं यहाँ पे एक क्लाउड शो करता हूँ जिसमें वैसे भी तीन राउटर्स हैं और यहाँ पे एक डिवाइस है विच इज ए, नेटवर्क है, लैन है, जो भी है, और यहाँ पे एक दूसरा लैन है विच इज बी, ठीक है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता था, तरीकाकार क्या था, तरीकाकार यह था कि जब यहाँ से पैकेट आते, तो एक दो ये तीन तीन पैकेट्स मिलकर आपके एक पैकेट इस तीन फॉर एग्जाम्पल ये तीन पैकेट्स आपके मिल के आ रहे हैं, एक एक पैकेट के अंदर डेफिनेटली क्या चीज है, बिट्स है, ठीक है। अब ये जो पैकेट इन राउटर से गुजर के, जैसे ये गुजर के ये डेस्टिनेशन की तरफ आते थे, ए बी डिवाइस के दरमियान में जितने भी राउटर्स आते, फॉर एग्जाम्पल ये एक रूट है जिसमें ये ए, ये वन टू और ये तीसरा राउटर, वन और टू जो राउटर इसके दरमियान में आते हैं, इस रूट के अंदर वन और टू क्या करते थे, इस बिट्स को आगे इस फ्रेम की पैकेट की शेप में ये आगे फॉरवर्ड करते थे और इसमें एक एडिशनल काम भी करते थे। ये क्या काम करते थे, इन बिट्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते थे। किस वजह से, वो ये उम्मीद करते थे, जिस तरह हमने अभी कम्युनिकेशन मॉडल देखा था पिछले लेक्चर में, कि डेटा जब ट्रांसमिशन सिस्टम से होके गुजरता है तो हो सकता है उसमें कुछ एरर्स हो, कुछ नॉइज ऐड होगी, उसको रिमूव करने के लिए वो उसके साथ कुछ बिट्स ऐड करते थे। फॉर एग्जाम्पल एक पैकेट है उसके अंदर 10 बिट्स है जो ओरिजिनल डाटा है, लेकिन उसके साथ कुछ कोई कोई एक राउटर 2 बिट्स ऐड करता है, कोई 3 बिट ऐड करता है। तो अब हमारा जैसे ये जैसे आपको जो सबनेट नजर आ रहा है ये छोटा सा है, लेकिन हो सकता है इससे बड़ा भी नेटवर्क, उसके अंदर मजीद मोर और ज्यादा आपके बिट्स के साथ ऐड। अब अगर आपका जेनुइन जो डाटा था वो 10 बिट्स का था, लेकिन जब वो डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहा था तो उसके साथ मजीद बिट्स ऐड होते 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 वो बिट वो डाटा जो है काफी बड़ा हो गया, तो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर इन बिट्स को पहले रिमूव करता था। तो हम कहते हैं कि ये जो से बिट्स है इनकी बेसिस पे ये जो से पैकेट है वो ओवरहेड बन गया। और हेड का मतलब क्या है कि हेडर्स हैं, बेसिकली क्या है कि आपका एक पैकेट होता है उसके साथ कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, कि एक हेडर होता है, इसको आगे भी देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। हेडर में क्या होता है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है कि बेसिकली ये कहां से आया है एक्सक्यूज मी, ये कहां से आया है और कहां जाना है, यानी सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस इसके अंदर इंक्लूड होता है। और इसके अलावा इसके एरर डिटेक्शन और करेक्शन के बिट्स जब इसमें ऐड होते थे तो ये जो सा एडर है ये ओवर हेड बन जाता था, ये लार्ज ओवर हेड बन जाता था जिसको बाद में रिमूव किया जाता था। पैकेट स्विचिंग सिस्टम हैव लार्ज ओवर हेड्स टू कंपेंसेट फॉर द एरर्स। एरर्स को हैंडल करने के लिए पैकेट स्विचिंग में हेडर्स या बिट्स को ऐड किया जाता था, इसकी बेसिस पे वो ओवरलोड हो जाते थे। मॉडर्न सिस्टम आर मोर रिलायबल, क्यों, फ्रेम रिले में ये चीज नहीं थी, फ्रेम रिले में बिट्स को ऐड नहीं किया जाता था,
ये जितनी भी चीजें मैं आपको इसके साथ बोल रहा हूँ, आप लोगों ने इसके साथ अपने साथ नोट डाउन करते रहना, ठीक है? क्योंकि फिर मैं इंशाल्लाह ये पेपर में आपसे चीजें पूछूंगा। मॉडर्न सिस्टम क्यों रिलायबल है? क्योंकि इसमें आपका लोड नहीं था, बहुत कम था। लार्ज ओवर हेड्स नहीं बनते, जो जो टाइम गुजरता गया इन ओवर हेड्स को कम किया गया, बजाय ये कि इस सबनेट के अंदर जितने भी जो राउटर्स हैं वो इन एरर्स को पकड़ने में लगे हों, बिट्स ऐड करने में लगे हों फ्रेम ले में जो एंड सिस्टम से जिनका ताल्लुक डायरेक्टली, अगर फॉर इस राउटर की अगर मैं इस नेटवर्क की बात करता हूँ तो इसमें जो राउटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं किसी भी नोड के साथ, तो क्या होता था कि उसके साथ उसको हम कहते हैं वो एक एंड सिस्टम, तो वो यूज करते थे डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज करते हुए उन एरर्स को रिमूव करते, सिर्फ उन्हीं का काम था, कोई इसके साथ एडिशन बिट्स एड नहीं होती थी। एज कम्पेयर टू पैकेट स्विचिंग फ्रेम ले में, क्योंकि अब पैकेट्स मिल के आपको एक फ्रेम बनता, अब इसमें जो डाटा फॉर्मेट था वो फ्रेम्स हो जाता था, इनकी जो स्पीड थी डेफिनेटली पैकेट स्विचिंग से इनकी जो डाटा रेट था इसकी जो स्पीड थी वो ज्यादा थी, और इसमें अब ओवरहेड्स को एरर्स के लिए ओवरहेड्स उसको काफी हद तक इसमें कंट्रोल कर दिया गया था, ठीक है? अब इसमें एक चीज बताना आपको चाहता हूं, बजाय ये कि इसमें एरर्स आपके एडिशन एरर्स बिट्स होते थे, सोर्स क्या करता था, सोर्स ये एक फ्रेम है उसका एक स्ट्रक्चर, ठीक है? ये एक फ्रेम का एक स्ट्रक्चर है, इसमें इस फ्रेम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपके फ्लैग्स होते थे, उसके बाद आपके एड्रेसेस होते थे, इसके बाद एफसीएस एक पोर्शन होता था, लास्ट में फिर आपके फ्लैग्स होते थे। आपके फ्रेम का स्ट्रक्चर, ठीक है? कुछ बिट्स जैसे सी बात, जो डाटा किसी भी फॉर्म में हो, फ्रेम के फॉर्म में हो, पैकेट के फॉर्म में हो, इससे आगे फिर सेल के फॉर्म में हो, डाटा होता था बिट्स के फॉर्म में, मेन जो था डाटा इसका होता था मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में होता था, इसी कुछ बिट्स फ्लैग्स के लिए रिजर्व रखी जाती थी, कुछ बिट्स एड्रेसेस के लिए, आईपी एड्रेसेस की बात कर रहा हूँ उसके लिए रिजर्व की जाती थी, कुछ एफसीएस के लिए रिजर्व कर दी जाती थी। एफसीएस क्या है मैं उसके बारे में आता हूँ, फ्लैग्स क्या है उसके बारे में आता हूँ, ये फ्लैग्स की मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखी, इसको मैं अब ठीक नहीं कर पाया, उसको देख लेना खुद ही ठीक कर लेना। फ्लैग्स शो करता है कि डाटा पर कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां पे खत्म हुआ है। आप देख रहे हो कि इस फ्रेम के स्ट्रक्चर के शुरू में आखिर में मैंने फ्लैग्स यूज किए। फॉर एग्जाम्पल फ्लैग्स की बिट कुछ 7 बिट्स रिजर्व होती थी, शुरू में 0, आखिर में 0 और उसके दरमियान में 5 1 बिट्स आए। रिसीवर के पास जब भी ये डाटा आता वो कहता कि यार, जब भी वो देखता है नोट करता, अच्छा 0 आया, उसके बाद फिर 5 1 आए, फिर उसके बाद फिर 0 आया, तो वो कहता है यार ये फ्लैग बिट्स इसको रिमूव कर, इससे पता चलता है कि डाटा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब डाटा जा रहा है, उसके बाद फिर उसके बाद 0 और फिर उसके बाद 7 बिट्स आती हैं 0 और 1 के फॉर्म में, वो कहता है ये फ्लैग है, इसका मतलब कि डाटा खत्म हो। ये है फ्लैग्स, फ्लैग्स इंडिकेशन के पर्पज के लिए यूज होते थे। उसके बाद एड्रेसेस जिसके मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आईपी एड्रेसेस, उसके बाद फ्रेम चेक सीक्वेंस, एफसीएस स्टैंड फॉर फ्रेम सीक्वेंस, फ्रेम चेक सीक्वेंस, एफसीएस स्टैंड फॉर फ्रेम चेक सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता था, इसके अंदर आपका एक आउटपुट होता था जो एक एल्गोरिथम को रन करने के बाद आपके पास आता था, उसका नाम था सीआरसी, सीआरसी स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी कहलाता है, ठीक है?
इस फ्रेमचेक सीक्वेंस में जो भी आपका जो ओरिजिनल डाटा होता था उसको एक सीआरसी के मैकेनिज्म में इसके अंदर से गुजारा जाता और उसका आउटपुट जो होता था वो इस फ्रेमचेक सीक्वेंस के फील्ड के अंदर रिजर्व बिट्स के अंदर उसका आउटकम रखा जाता। अब जब ये डाटा ए से होता है डाटा जब होता जब एंड सिस्टम के पास जाता है वो इस सीआरसी के मैकेनिज्म को यानी इस पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर को रीड करता है और इस फ्रेम चेक सीक्वेंस की फील्ड को देखता है और फ्रेम चेक सीक्वेंस में इसके और सीआरसी के मैकेनिज्म के आउटपुट को दोबारा से रन करता। इसका आउटपुट आपके पास आंसर मौजूद है, फोर का आंसर क्या है 2+2=4, 4 इसके पास मौजूद है। अब ये अपना सीआरसी मैकेनिज्म यहां पर फ्लैग करता है, आया वही रिजल्ट आता है जो इसके आउटपुट में है तो इसका मतलब है कि इसमें एरर्स मौजूद नहीं है। अगर एरर्स मौजूद हैं तो इसको फिर सीआरसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए एरर्स को वापस जो ओरिजिनल डाटा को उसको वापस अपनी हालत में लेके आता। तो बजाय ये कि हम ओवरहेड्स बनाते जाएं सीआरसी फ्रेम रिले ने किया क्या एक सीआरसी का मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, फिर सीआरसी के मैकेनिज्म को इसने रिड्यूस कराया, ठीक हो गया। This is a simple frame relay. आगे चलते हैं, इसको पहले मैं erase करूं। Next है आपका ATM, asynchronous transfer mode. एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड को हम सेल रिले भी कहते हैं, सेल रिले रिले भी कहते हैं, ठीक है। एटीएम इज आल्सो कॉल्ड सेल रिले। एटीएम आपका 53 बाइट्स में मुश्तमिल होता है, ठीक है, 53 बाइट्स में ये मशीन होता है, मैं यहाँ पर 53 बाइट्स पे मशीन होता है जिसमें बाइट्स का यूजर डाटा है प्लस 5 bytes आपका header है, क्या है again control information इस ATM cell को लेकर आगे forward करने, ठीक है। evaluation of frame relay fix packet card cells length with little overhead for error control CRC के मैकेनिज्म को ही यूज करता था। एनीथिंग फ्रॉम 10 मेगाबिट्स पर सेकंड टू गीगाबिट्स पर सेकंड डेटा रेट यूजिंग पैकेट स्विचिंग टेक्निक विद मल्टीपल वर्चुअल सर्किट, इसका मतलब ये है कि पैकेट स्विचिंग की वर्चुअल सर्किट टेक्निक को यूज करता है ज्यादातर, लेकिन इसमें डेटाग्राम अप्रोच भी यूज हुआ करती, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप याद मतलब इसमें क्या है कि बेसिकली इसमें वर्चुअल सर्किट्स के मल्टी वर्चुअल सर्किट्स के ये अप्रोच को ये फॉलो करता है, ठीक है। एक ही नेटवर्क में डिफरेंट मतलब अगर एक ही अगर सबनेट की बात करते हैं तो एक से ज्यादा उसमें वर्चुअल सर्किट्स आपके मौजूद हो सकते हैं, डिफरेंट लिंक्स आपके यूज हो सकते हैं जिनको यूज करते हुए आपका ट्रांसमिशन सिस्टम हो सकता है, ठीक है। दिस इज सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क हमने पहले से ही देख लिया। आगे है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको मैन कहते हैं। जो आपके घरों में एक जो केबल आ रही है ना वो एग्जांपल है मैन की। दिस इज विद इन द सिटी मिडिल ग्राउंड बिटवीन लैन एंड वैन, हम लैन और वैन के दरमियान जो नेटवर्क आता है उसको मैन कहते हैं।
प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। आपको देख रहे हो कि आपको PTCL ने एक आपको स्मार्ट टीवी प्रोवाइड किया हुआ है, हम कहते हैं वो मेट्रो पिलोटी ने लिया नेटवर्क, आपको घरों में केबल, घरों में आपके मोहल्ले की जो केबल सिस्टम उन्होंने आपको केबल प्रोवाइड किए, हम कहते हैं कि वो एक प्राइवेट आपका है, हाई स्पीड है और लार्ज एरिया है, सिटी में मुश्तमिल होता है, एज कम्पेयर टू लैंड, एज कम्पेयर टू लोकल एरिया में। ठीक है, बेसिकली हम एक और चीज बता दूँ कि जो आपकी जो बेसिकली जॉब का होता है उसमें जो आपका एक हेड ऑफिस होता है जहाँ से आपकी केबल आ रही है, हो सकता है आपके मोहल्ले में नहीं हो, वो किसी दूसरे मोहल्ले में, जहाँ से मेन मतलब मेन हेड ऑफिस जहाँ से आपकी केबल के चैनल आ रहे हैं। ठीक है, उस हेड ऑफिस में आपके सोर्स देयर कैन बी टू सोर्सेस और केबल चैनल। नंबर वन इज सैटेलाइट, नंबर टू इज इंटरनेट। अब सैटेलाइट आपकी मतलब डिशेस की, जिससे आपको आज के आजकल डिजिटल टीवी भी आपकी शुरू हुई हुई है, जिसका भी लाइसेंस नहीं मिला, जिस तरह जिसमें आप करोगे एक डिश करो विश करो, जिससे आपकी कमर्शियल शायद देखी हो, वो भी एक सोर्स हो सकता है आपके उसमें चैनल्स में आपका क्या कहते हैं वहाँ से भी आपकी मतलब आपकी जैसे ये आपकी जो सेटेलाइट है आपके घरों में अगर डिशेज लगी हुई है LLB को यूज़ करती है, वो सीधे हो सकते कुछ ऐसे डिशेज हैं जो ग्राउंड में कुछ आपके मतलब दुनिया में आपने वो एक कमर्शियल देखी होगी 7F की या ड्यू की, जिसमें वो एक गोल बड़ी बड़ी डिशेज होती हैं उसके ऊपर वो स्कीइंग कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड बेस्ड स्टेशन। उन ग्राउंड बेस्ड स्टेशन को देखते हुए कुछ आपकी डिशेज हैं जो उन ग्राउंड बेस्ड स्टेशन को देखती हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपका वेचर है आपका अर्थ का, ठीक है, ये आपका होम है और इसके ऊपर आपकी एक सैटेलाइट लगी है, ठीक है, और ये आपकी सॉरी ये आपकी डिश लगी हुई है ऊपर, ये आपकी सैटेलाइट है, और ये आपकी कुछ ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से, ये कर्व डिशेज हैं यार, ठीक है, कुछ ऐसे डिशेज हैं घर की वो कुछ इसको देख रही होती है, यहाँ से आपका चैनल मतलब जो आपका हेड ऑफिस है वो उसकी डिशेज इन ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से आपकी डाटा ले रही है, ये ग्राउंड बेस्ड स्टेशन क्या हो रही है, ये चैनल सैटेलाइट को देखती है। कुछ आजकल जैसे नई डिशेज आ रही हैं जिसकी वजह से केबल वालों ने हड़ताल भी की थी कि ये डिशेज डायरेक्ट इन सैटेलाइट्स को देखते हुए डाटा कैप्चर करती है, चैनल्स कैप्चर करती है, ठीक है, तो डिपेंड करता हो, एक तो ये है कि सैटेलाइट के थ्रू वो डाटा आप जो गेट करते हो हेड ऑफिस से, या वो इंटरनेट की फैसिलिटी डिफरेंट सर्वर्स लगे होते हैं ऑनलाइन, वो उन चैनल्स को पे करते हैं और वो चैनल्स आपके घरों में भी आपको नजर आते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ये इंट्रोडक्शन था मैन का, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ इंटरनेट को, बेसिकली आप लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि बेसिकली इंटरनेट आया कहां से था, इंटरनेट आया था आर्पा नेटवर्क से या आर्पानेट से, ARPANET stands for Advanced Project Agency Network, ठीक है,
इंटरनेट ऑफ नेटवर्क से आया था फर्स्ट ऑपरेशनल, मतलब और एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी, ये अमेरिकन ने ये कुछ, इसके पूरी एक लंबी कहानी है। इन्होंने एक अमेरिका और रशिया के दरम्यान में 1950 में एक कोल्ड वॉर हुई थी, जिन उस वक्त अमेरिका के पास इतना अच्छा एक कमांड एंड कंट्रोल, यानी आर्मी आर्मी बेस सिस्टम को हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, वो इतना अच्छा नहीं था, वो एनालॉग था। इनको जरूरत पड़ी कि ये क्या, ये इन्होंने मुख्तलिफ ऑथर्स को, रिसर्चर्स को कहा कि ये हमें एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए, एक बना के दिया जाए जो एक डिजिटल भी हो, सिक्योर भी हो, उसमें काफ़ी लूप्स होल्स है जो पहले जैसा नेटवर्क था। तो 1960 में एक 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 बैरन, एक रैंड नामी कंपनी था, उसका एक रिसर्चर था बैरन्स, बैरन्स ने एक 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 नेटवर्क प्रपोज किया था रिसर्च के सिमुलेशन को यूज करते हुए, उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया था, प्रपोज किया था, एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया था, जिसका नाम बाद में आर्पा नेटवर्क या आर्पा नेटवर्क एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। जैसे बेसिकली ये एक एजेंसी के नाम पर रखा गया, जो ग्रांट प्रोवाइड करती है इंटेलिजेंस काम के लिए, उनके बेसिस पे ये नाम रखा गया। उसने एक एक डिजिटल एक सिक्योर, काफ़ी हद तक सिक्योर एक नेटवर्क, एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया, जिसको बाद में इम्प्लीमेंट किया गया, और वो आप आजकल आप इंटरनेट उसी के बेसिस पे यूज़ कर रहे हो। ये एक पैरेलल नेटवर्क था जिसमें फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट नेटवर्क को इम्प्लीमेंट किया गया। अप्लाई टू टेक्टिकल रेडियो एंड सेटेलाइट नेटवर्क्स आल्सो, एएम और एफएम के पे भी ये अप्लाइड होता है, और सेटेलाइट रेडियो पे ये यूज़ होता है। नेटवर्किंग के लिए, इंटर ऑपरेटिविटी नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा एक नेटवर्क है। इसमें TCP/IP के, इस TCP/IP के शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, ये एक रेफरेंस मॉडल है, जिसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसको यूज़ करना शुरू किया इस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट रिचेंसी नेटवर्क। ये आपके सामने एक क्या है कि आपके सामने एक इंटरनेट की एक ब्लॉक डायग्राम है। बेसिकली इसमें कुछ इंटरनेट के मेन की एलिमेंट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। इसमें आपको सबसे ऊपर बेसिकली इस इंटरनेट एलिमेंट्स का जो मेन जो पर्पस है वो है कि एंड सिस्टम्स को, जो स्टैंड अलोन मेन फ्रेम है, इसी तरह इस लोकल एरिया नेटवर्क में लेफ्ट साइड पे डिफरेंट पीसीज और सर्वर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह नीचे लोकल एरिया नेटवर्क में राउटर्स हैं, पीसीज हैं, इन ये एज ए एंड सिस्टम काम कर रहे हैं, एज ए होस्ट सिस्टम काम कर रहे हैं, इनको आपस में इंटरकनेक्ट करना है, जिसमें सर्वर्स हैं, स्टैंड अलोन मेन फ्रेम्स हैं, पीसीज हैं, ये तमाम जितने जो पीसीज हैं, जितने भी जो मेन फ्रेम हैं, सर्वर्स हैं, वो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हुए इस इंटरनेट एलिमेंट्स के साथ, इन वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। आपको ये क्लाउड जो नजर आ, जिसमें मैंने बताया था कि जब भी क्लाउड है वो एक आपका एक क्या है, वो आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क शो करता है। ठीक है, इस वाइड एरिया नेटवर्क में आपका ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, बेसिकली ये राउटर को देखो आप, स्क्वायर बॉक्स से शो किया है, इसी तरह जो स्विच होता है उसको डिफरेंट शो करने के लिए डिफरेंट सिंबल उन्होंने यूज किया हुआ है, और इसमें इंफॉर्मेशन सर्वर के अलावा एक सर्वर शो किया हुआ है, लैन के पीसीज एंड वर्क स्टेशन के अलावा शो किए हुए हैं। तो ये एक पिक्चर है जो इंटरनल एलिमेंट्स कंप्रोमाइज कर रहा है, कंप्राइज कर रहा है इंटरनेट को, हुज पर्पस इज टू इंटरकनेक्ट एंड सिस्टम्स कॉल्ड होस्ट इंक्लूडिंग पीसीज वर्क स्टेशन सर्वर्स मेन फ्रेम्स एंड सो ऑन। Most hosts that use the internet are connected to network such as local area network or wide area network. These networks are in turn connected by the routers. जितने भी जो networks हैं आपको नजर आ रहे हैं वैन के, वो routers के जरिए एक दूसरे के साथ connected हैं। Next slide की तरफ जाते हैं। ये आपके सामने एक एक बेसिक सा इंटरनेट का आर्किटेक्चर है।
इस इंटरनेट आर्किटेक्चर में मेन चीज बनती है वो है आपकी आईएसपी, बैकबोन आईएसपी और रीजनल आईएसपी है। मैं आपको एक एक करके इसको जरा गौर से समझना। इसमें मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप मतलब ये एक आपके जो लेफ्ट में जो तीन पीसीज हैं रीजनल आईएसपी के साथ, ये आपके सब्सक्राइबर्स हैं, रेजिडेंशियल यूजर्स हैं, जो एक आपको पता है कि आप जब इंटरनेट घर में यूज करते हो आप किसी एक आईएसपी के साथ कनेक्टेड हो। अगर बीटसीएल का यूज करें तो बीटसीएल के आईएसपी के साथ आप कनेक्टेड हो, एनटीसी के आईएसपी के साथ, या हो सकती है कोई प्राइवेट भी आईएसपी हो जिसके साथ आप कनेक्टेड हो। सर्वर हो सकता है, आपके पीसी हो सकते हैं। इसी तरह नीचे अगर आप जाते हैं तो लैन का स्विच है, लैन का स्विच आपको मतलब आपका लोकल नेटवर्क एक बनाया हुआ है जो मेन फ्रेम्स को या सुपर कंप्यूटर्स को यूज करते हुए एक पूरे एक नेटवर्क है। लेफ्ट में बॉटम में जो आपको वो नजर आ रहा है, ये एक 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 नेटवर्क बना हुआ है। एक ओवरव्यू उसकी हम मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ इस स्लाइड्स के अंदर। ऑथर बेसिकली इसमें देख रहा है ये रीजन जो आईएसपी है, ये आपको जो डार्क ब्लू जैसे ये बैकबोन के साथ कनेक्टेड। और क्या रहा है कि मैं यहाँ पे तो मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ होता क्या है कि ये आपका एक यूजर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये एक यूजर है, ये यूजर सबसे पहले आपका एक आईएसपी के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। इस तरह के मतलब आईएसपीज हैं, ये हो गई आईएसपी, ये आईएसपी हो गई, ठीक है, ये आईएसपी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये भी आईएसपी है, और इसी तरह यहाँ पे सिर्फ आईएसपी आई लिख देता हूँ, ये आई भी आईएसपी, ठीक है। और ये आईएसपी एक बहुत बड़ी क्ला के साथ, ये क्लाउड के साथ छोड़ के इस आईएसपी के साथ ये कनेक्टेड है। और ये एक बड़ी एक आईएसपी है। बेसिकली हम इस आईएसपी को कहते हैं, ये इसको हम बैकबोन आईएसपी कहते हैं। बैकबोन क्या करती है? बैकबोन आपकी नंबर ऑफ आईएसपी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मेंटेन करती है। समझ लो कि जितनी भी दुनिया की जो आईएसपीज हैं वो किसी किसी ना किसी एक बैकबोन के अंडर काम करती है। बैकबोन इन आईएसपीज को आपस में कनेक्ट करता है। सही है। इन आईएसपीज को जो कनेक्ट करने के लिए जो हम मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे आपको ये एक ये आपका रेजिडेंशियल यूजर है जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके कुछ फील्ड सर्कल्स आ रहे हैं ना, ये आपके बेसिकली है, ये आपके रीजनल आईएसपी, ठीक है। ये जो फील्ड सर्कल्स हैं ये आपके जो रेजिडेंशियल सब्सक्राइबर्स हैं, ये सबसे पहले आपके कनेक्टेड होते हैं आईएसपी के साथ, फिर ये आईएसपी कनेक्टेड होती है बैकबोन के साथ। यानी आपकी जो आईएसपीज हैं वो अंडर काम कर रही होती है किसी एक बैकबोन के साथ। दुनिया में जो सबसे पहले जिसकी बैकबोन बनी थी वो AT&T, एक कम्युनिकेशन एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का एक नाम है, उसने बनाया था। आप लोगों ने इसका एक पहले इंग्लैंड से बाहर से फोन आते थे उसके ऊपर या तो वोडाफोन का नाम होता था या AT&T का नाम होता था, एक कंपनी है, उन्होंने ये सबसे पहले एक बैकबोन बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये इसमें क्या है कि आपकी आईएसपी ये बैकबोन के साथ जब आपका एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका कहते हैं, हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि आपका यूजर जो है वो किसी आईएसपी के साथ किसी अगर एक आईएसपी के साथ कनेक्ट होना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक एक पॉप को यूज करते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जो सी है ये आपकी आईएसपी है, ये वाली ये एक आईएसपी है, इस आईएसपी को हम कनेक्ट करने के लिए हम एक डिपार्टमेंट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड पॉप। जो ये फील्ड सर्कल्स है ना ये आपके पॉप है जो आपको एक आईएसपी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके दिखाती है, इंजेक्ट करती है आपकी कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो पॉप कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉप आपकी रीजनल आईएसपी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है,
और ये बैकबोन्स हैं, ठीक है। इन बैकबोन्स को हम आपस में कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको ये लेफ्ट साइड पे आपको डार्क ब्लू की एक बैकबोन नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पाकिस्तान की बैकबोन, ठीक है। बैकबोन की बहुत बड़ी बला होती है, हो सकता है दो तीन कंट्रीज मिलकर एक बैकबोन के अंडर काम कर रहे हैं। तो ये एक बैकबोन है, और ये बैकबोन दूसरे किसी बैकबोन के साथ, ये आपको लाइट लाइट ग्रे करके आपको बैकबोन नजर आई है आईएसपी की, उसके साथ कनेक्ट, और ये अनफिल्ड सर्कल्स को यूज करके उनके साथ कनेक्ट। यहाँ पे ये अनफिल्ड जो सर्कल्स हैं ये आपके नैप कहलाते हैं। दोबारा सुनो, आपका जो सब्सक्राइबर है वो एक पॉप को यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को यूज करते हुए, यूज को करते हुए बेसिकली पॉप आपका दो काम करता है। एक तो पॉप आपका किसी भी आईएसपी के साथ आपको कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, दूसरा ये आपकी ट्रांसमिशन को टोटली डिजिटल ट्रांसमिशन करके आगे फॉरवर्ड करता है। अपने फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं क्लाउड बनाया गया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आप बैकबोन के साथ कनेक्ट होते हो, आईएसपी के साथ आपकी आप आईएसपी के साथ कनेक्ट होते हो, रीजनल आईएसपी के साथ, रीजनल आईएसपी का मतलब कि जो आपकी डिस्टेंस के लिहाज से सबसे करीब थी जो आपकी आईएसपी, उसके साथ कनेक्ट होते हो, और वो आईएसपी डिफरेंट आईएसपी किसी एक बैकबोन के अंडर काम कर रही होती है। तो हम तमाम आईएसपी के साथ, बेसिकली बैकबोन भी आपकी एक आईएसपी है ना, उस आईएसपी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें पॉप की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे आपको फील्ड सर्कल नजर आ रहे हो तमाम के पॉप से। लेकिन जब हम किसी दूसरी कंट्री की बैकबोन के साथ कनेक्ट करना कर रहे होते हैं, तो आपकी एक बैकबोन, हमारी बैकबोन जो होगी वो किसी दूसरी बैकबोन के साथ कनेक्ट करने के लिए एक नैप की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। क्या कहते हैं उसको? हम नेटवर्क एक्सेस पॉइंट की जरूरत होती है, और उस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट को यूज करते हुए आप किसी दूसरे बैकबोन के साथ कनेक्ट होते हो। आपको राइट साइड में नजर आ रहा है एक बैकबोन है, तो वही इस तरह जो कॉर्पोरेट लैन थी उसी तरह का कॉर्पोरेट लैन है, वहीं पे आईएसपी वेब सर्वर्स हैं, रीजनल आईएसपी से हैं, सर्वर्स हैं। तो ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है, तो एक यूज हो, इसमें एक प्राइवेट पीरिंग भी है, इसको हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में हम इसको देखेंगे। और सबसे पहले आप एज ए घरों में आप सब्सक्राइबर हो, आप पॉप को यूज करते हुए किसी एक आईएसपी के साथ कनेक्टेड हो। आईएसपी मुख्तलिफ आईएसपी काम करती है अंडर द वर्क ऑफ बैकबोन। यहाँ पे एक और चीज आपको बताऊं, ये जो आपकी बैकबोन है ना, ये वाली जो बैकबोन है, इन बैकबोन के अंदर आपका एक खास किस्म का एक मीडियम काम करता है। बेसिकली दो मीडियम काम करते हैं, या तो वो सेटेलाइट हो सकती है फॉर द पर्पज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, या वो फाइबर ऑप्टिक्स होती है, या तो वो सेटेलाइट हो सकती है या वो फाइबर ऑप्टिक होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैकबोन में, बैकबोन ऑफ सैटेलाइट और फाइबर ऑप्टिक और बोथ, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक के नेटवर्क हम कहते हैं सोनेट, सिंक्रोनस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसका नेटवर्क हम इस बैकबोन में यूज करते हैं, क्योंकि इसका काम बहुत इंतहाई किस्म का, एक बहुत ज्यादा एक हैवी होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कम्युनिकेशन होती है, काफी ज्यादा आईएसपी का जो डाटा वो इसमें से ट्रांसफर होता है, जिसका मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है बैकबोन। इसके अंदर हम या तो सैटेलाइट यूज करते हैं, या हम इसमें से फाइबर ऑप्टिक यूज करते हैं, और सैटेलाइट और फाइबर ऑप्टिक को यूज करते हुए ये आगे फिर इसी तरह आगे फॉरवर्ड होती है, और हमारा एक इंटरनेट का आर्किटेक्चर इस तरह काम करता है। अब आपका डेस्टिनेशन कहीं भी हो सकता है, हो सकता है विद इन योर बैकबोन हो सकता है विद इन योर रीजनल आईएसपी हो, कहीं पे भी हो सकता है, हो सकता है आपका आउट ऑफ कंट्री भी हो, ठीक है। पहले मैं रब कर दूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये एक सिंपल सी आपकी एक एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली मतलब ये वही चीज़ है जो पहले हमें हमने देखी थी कि इंटरनेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम स्टार्ट करें, अगर हम स्टार्ट करें क्या से लेफ्ट से, तो सबसे पहले आपका आपका
रेजिडेंशियल यूजर है विच इज कनेक्टेड टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक आईएसपी के साथ कनेक्टेड है टू सम सॉर्ट ऑफ सब्सक्राइबर कनेक्शंस, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, वो पीटीसी का कनेक्शन हो सकता है, अमेज़न का कनेक्शन हो सकता है, कोई भी कनेक्शन जो आप घरों में यूज कर रहे हो। द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड राउटर्स दैट स्पैन द ग्लोब, ये आपको नजर आ रहा है के एक यहाँ रेजिडेंशियल यूजर है वो सब्सक्राइबर कनेक्शन को यूज करते हुए किसी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड है, और फिर सर्विस प्रोवाइडर एक हाई स्पीड लिंक हो सकता है सोनेट, जिससे आपको मैंने पहले बताया एक ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हुए किसी एक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इंटरनेट बेसिकली ये क्लाउड, इस क्लाउड में आपको मुख्तलिफ राउटर नजर आ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ राउटर, राउटर फॉरवर्ड पैकेट्स ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू द इंटरनेट, द लोअर पोर्शन शोज अ लैन इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ सिंगल इथरनेट स्विच। सबसे नीचे देखो पहले जो पहला सबसे बड़ा जो क्लाउड है इंटरनेट शो कर रहा है, उसके बाद एटीएम स्विच यानी एटीएम नेटवर्क है, जैसे आपको बताया कि हम एटीएम नेटवर्क को यूज करते हैं, और ये एटीएम नेटवर्क एक हाई स्पीड लिंक, अगेन एक हाई स्पीड लिंक हो सकता है वो सैटेलाइट हो सकता है वो एक सोनेट हो, को यूज करते हुए एक फाइबर होस्ट के साथ कनेक्टेड। फायरवॉल, यू नो व्हाट इज फायरवॉल, फायरवॉल बेसिकली सिक्योर करता है आपके नेटवर्क को, और बॉटम में आपकी एक लैन, एक लैन इंप्लीमेंटर, ये बेसिक एक कॉमन एक कॉन्फ़िगरेशन है एक स्मॉल बिजनेस या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी इंटरनेट की, ठीक है। इतना कुछ बड़ा कुछ बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट लास्ट में हमने समरी देखते हैं कि हमने क्या किया कि हमने इंट्रोड्यूस कराया डाटा कम्युनिकेशन नीड्स को, कम्युनिकेशन मॉडल देखे, डिफाइंड डाटा कम्युनिकेशन को किया, अवर व्यू ऑफ डिफरेंट हमने लैन वैन मैन को हमने देखा, और फिर हमने इंटरनेट को इंट्रोड्यूस कराया, उसके एग्जांपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखे, उसके हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी हो जो मुझे आप लोगों को ना आई हो, समझ आई, तो आप मुझे लाजमी विद इन द क्लास ड्यूरेशन आप लोग मुझसे आप मुझे बता सकते हो। आप मुझे वॉइस मैसेज अपने सीआर को अपने वॉइस मैसेज सेंड करो और फिर मुझे आप सेंड कर सकते हो। थैंक यू, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।